हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे यूट्यूब चैनल ससुर जी किचन में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए फ्रेंड, देखते हैं आज हमारे ससुर जी क्या बना रहे हैं। हाय दोस्तों, आज मैं बनाने जा रहा हूँ चिकन करी। हेलो फ्रेंड, ये देखिए आज हमारे ससुर जी चिकन करी बना रहे हैं। तो चिकन करी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगा। फ्रेंड ये देखिए हमारा 1.25 किलो चिकन है जिसको हमने धो लिया है, और ये हमने प्याज काटा है 1/2 किलो ऐसे काटा है इसको फ्रेंड पतले पतले स्लाइस में। ये हरी मिर्च है, 5 से 6 हरी मिर्च है, ये तेज पत्ता है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हरा धनिया है, और ये टमाटर है। और फ्रेंड ये हमारे मसाले हैं, ये देखिए फ्रेंड ये हल्दी पाउडर है, ये लाल मिर्च पाउडर, ये धनिया पाउडर, ये गरम मसाला, और ये काली मिर्च जीरा पाउडर, ये नमक, और ये कलर वाला लाल मिर्च। ओके फ्रेंड, ये देखिए हमने अपना ये रख दिया है चूल्हे पे बनाने के लिए। तो हम अपना रेसिपी स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड हमारा हांडी गरम हो गया है, अब हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल देंगे, और आपको जो भी ऑयल पसंद हो आप डाल सकते हैं, रिफाइंड या फिर कुछ भी। अब इसको गरम हो जाने देंगे फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड हमारा तेल बिल्कुल गरम हो चुका है, अब हम इसके अंदर अपनी तेज पत्ता डालेंगे, और ये हरी मिर्च, और ये प्याज जो हमने काटा था, फ्रेंड इस प्याज को हम हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे फ्रेंड हम इस प्याज को, 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे फ्रेंड हम इस प्याज को। ये देखिए फ्रेंड हमारा प्याज भून रहा है, इसको बीच में चला देंगे एक बार। ये देखिए फ्रेंड हम प्याज को फिर से चला लेते हैं, हमारा हल्का हल्का प्याज भून चुका है, 2-4 मिनट और भून लेंगे फ्रेंड इसको अच्छे से हल्का ब्राउन होने तक। ये देखिए फ्रेंड हमारा प्याज भून चुका है, अब हम इसके अंदर अपना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम 2 से 4 मिनट भून लेंगे प्याज के साथ। ये देखिए फ्रेंड हमारा अदरक लहसुन भी अच्छे से भून चुका है, अब हम इसके अंदर अपना चिकन डालेंगे। फ्रेंड मेरे ससुर जी देसी स्टाइल से खाना बनाते हैं, बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाते हैं। फ्रेंड अब देखिए चिकन को हम थोड़ा भून लेंगे 2 से 4 मिनट। ये देखिए फ्रेंड हमारा चिकन अच्छे से भून चुका है, अब हम इसके अंदर अपने मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, 2 चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये काली मिर्च जीरा पाउडर है फ्रेंड 1 चम्मच, और ये फ्रेंड ये गरम मसाला है 1 चम्मच, और ये नमक है, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालें फ्रेंड। लाल मिर्च भी अगर आप कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप जितना खाते हो उतना डालें, हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं। अब इन मसालों को पूरे अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद फ्रेंड हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे, पहले इन मसालों को मिला लेंगे अच्छे से चिकन में। ये देखिए फ्रेंड हमने मसालों को मिला लिया, अब हम इसके अंदर अपना टमाटर ऐड करेंगे। अब हम ये फ्रेंड चिकन को अच्छे तरीके से भूनेंगे 5 से 10 मिनट तक। फ्रेंड इसको हम ढक देंगे 5 मिनट तक, उसके बाद हम इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड हम 5 मिनट के बाद इसको दोबारा से चला लेते हैं चिकन को।
ये देखिए फ्रेंड, हमारा चिकन अच्छे तरीके से भून रहा है धीरे धीरे। इसको मीडियम फ्लेम पे फ्रेंड, इसको मीडियम फ्लेम पे हम भूनेंगे आराम आराम से। ये देखो फ्रेंड, हम अपने चिकन को चलाते रहेंगे बीच बीच में ताकि वो नीचे लगे ना। ये देखिए फ्रेंड, हमारा धीरे धीरे चिकन भून रहा है, मसालों में से तेल अलग हो रहा है धीरे धीरे। इसको दोबारा हम चला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा चिकन अब अच्छी तरीके से भून चुका है। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा चिकन एकदम भून चुका है। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। फ्रेंड, हम इसके अंदर 1.5 गिलास पानी यूज कर रहे हैं मीडियम गिलास से। आपको ग्रेवी कम चाहिए तो आप कम भी डाल सकते हैं, या फिर ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा भी पानी डाल सकते हैं। आप अपने अनुसार डाल लीजिए फ्रेंड। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे फ्रेंड, इसको उबलने देंगे। ढक के फ्रेंड इसको छोड़ देंगे 5 मिनट तक। उसके बाद हम बीच में इसको चला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हम 5 मिनट के बाद दोबारा अपने चिकन को चला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा चिकन रेडी होने वाला है। इसको देख लेंगे फ्रेंड, एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा चिकन बनके एकदम रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर अपना हरा धनिया डालेंगे और फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, अब फ्रेंड हम इसको आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारा चिकन बनके एकदम रेडी हो गया है। फ्रेंड, आप लोगों को हमारा ये चिकन का रेसिपी कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। हमारे ससुर जी का रेसिपी आप लोगों को कैसा लग रहा है हमें जरूर बताइएगा फ्रेंड। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए